तो बीजेपी एक माहौल क्रिएट कर रही है कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये बहुत ही घटिया सरकार है, सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही, आवाम नहीं बोल रही, बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं। बीजेपी खुद एक ऐसी पार्टी बन गया है जो चोरों को बचाने के, सैंड्रो रवि का केस ले लीजिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, MD Lee's Premium Cakes and Desserts, and by Adas Traders. KPCC से ये जो campaign committee है, MB Patel साहब जो chairman है, उन्होंने आज chief coordinators, state coordinators और हमारे जिला अध्यक्ष प्रचार समिति के नॉमिनेट किए हैं। और अशोक वीर नायक जी हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, रमेश मरगोड़ हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर बने हैं, और मजहर आलम खान साहब को भी ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि अभी जो माहौल है, जो बीजेपी एक माहौल क्रिएट कर रही है कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये इन सबको हमको आने वाले चुनाव में इनका सामना करना पड़े। तो यंगस्टर्स जो है, एक्टिव है जो है, और जो हमारे आइडियोलॉजी को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, उनको मौका देना करके हमारा पार्टी का था। इसलिए तो आज अशोक वीर नायक और मजहर आलम खान को एक बड़ी जिम्मेदारी हमारी पार्टी की तरफ से दिया गया, और हमको पूरी उम्मीद है कि जो मेहनत उन्होंने पिछले 15-20 साल से पार्टी के लिए लगाए लीडर बनने के लिए, अभी उनके वजह से पार्टी को भी फायदा होगा। और ये सिर्फ एक सिटी का या एक मोहल्ले का प्रचार करना नहीं है, पूरे ज़िले का रहता है, पूरे कल्याण कर्नाटक का जिम्मेदारी भी उन पर आ जाता है। तो आगे आने वाले दिनों में जो पार्टी का कैंपेन स्ट्रैटर्जी रहेगा, पब्लिसिटी स्ट्रैटर्जी रहेगा, वो हमारे मजहर आलम खान, अशोक वीर नायक, रमेश मरगोड, हमारे गुरलिंगप गौड़ा, ये सब लोग तय करेंगे। जो हमारा मैनिफेस्टो है, ये लोगों को हर घर तक पहुंचने का जिम्मेदारी इनका रहेगा, उनका खुद का एक कमेटी भी उनको दिया जाएगा। और जब कांग्रेस का मेजॉरिटी है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा करके मैं समझता हूँ। प्रियंक साहब, आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रहे हैं, लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ चुकी हैं, चाहे वो कर्नाटक भर से रहो, कहीं से भी रहो, तो उन लोगों के लिए आपको क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, ये जो सरकार है, ये बहुत ही घटिया सरकार है, सिर्फ कांग्रेस नहीं बोल रही, आवाम नहीं बोल रही, बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं। 40% सरकार है करके बीजेपी सरकार बोल रहे हैं, यत्नाल खुद बोल रहे हैं कि हमारे जिला उस्तवारी सचिव क्या काम करते हैं। तो बीजेपी खुद एक ऐसी पार्टी बन गया है जो चोरों को बचाने के, सैंड्रो रवि का केस ले लीजिए, वो खुद बीजेपी कार्यकर्ता है करके बोल रहे हैं। तो ऐसे लोग सत्ता में है तो गरीबों का कल्याण कैसा होगा? हमने कल एक प्रोग्राम दिया, प्रियंका गांधी जी आके बोले कि महिलाओं को हम 2000 रुपये देंगे, तो उनका बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये क्यों दे रहे हैं? अरे, आपको देने का इंटरेस्ट, आप 40% खा सकते हैं आवाम से, 15 लाख आप देते करके बोले नहीं दिए, हम 2000 बोल रहे हैं, उसके लिए भी प्रॉब्लम है उनको। मैं आपके थ्रू बोलना चाह रहा हूँ आवाम को, बीजेपी लोगों को, कि अगर आपको ये गृहलक्ष्मी, गृह ज्योति प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, वेलफेयर प्रोग्राम अच्छा नहीं लग रहा है, जाके पब्लिक को बोले ना, अगर आप में हिम्मत है कि हम आपको वेलफेयर नहीं करेंगे, हम आपका आपकी तरक्की के लिए हम नहीं करेंगे करके बोल दीजिए। खुद की तरक्की के लिए 40% है देने लेने को, लोगों को, हमारे महिलाओं को 2000 देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। ऐसे सरकार हम अगर दूर रखना है, सब मिलकर काम करना पड़ेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, MD Lee's Premium Cakes and Desserts, and by Adas Traders.